दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा ZAS वर्सेस LJU के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में आर सिंह का सबसे पहले ऑप्शन होने वाला है जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि लास्ट ओवर में 7 रन पे ही आउट हो गए, उससे पहले कुछ मैचेस में 16 रन करे, 15 रन करे, 29 रन इन्होंने करे, 65 रन इन्होंने करे, तो अच्छी फॉर्म में चल रहे, तो आप इनको लेके चल सकते हो। आर हश्मी ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मैच में 4 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 10 रन पे ही आउट हो गए थे, फिर 46 रन इन्होंने करे, 31 रन करे, 25 रन करे, तो ये भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे, इनको भी आप लेके चल सकते हो। बाकी डेविस तो काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे तो आप ड्रॉप कर सकते हो। के कुमार का ऑप्शन होने वाला है, लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर देखोगे दोस्तों सेम इनका भी बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आएगा, आप हश्मी और यहाँ पे आर सिंह को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बैटिंग में हैदर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं। लास्ट मैच में 18 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, साथ ही साथ में ये प्लेयर आपको बॉलिंग भी करवाते हुए नज़र आएगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और एक विकेट भी इन्होंने निकाला था। अभी तक टूर्नामेंट अच्छा रहा है तो आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी टी शर्मा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, परफॉर्मेंस और बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा और परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है। नंबर 5 पे बैटिंग करते लास्ट ओवर में 4 रन करे, 1 रन करे, 0 रन इन्होंने करे, तो इतना कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस रहा नहीं है। यहाँ पे जिनको आप बैटिंग में अपनी टीम में रख सकते हो तो मंजूर एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनको आप रख सकते हो, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट ओवर में 48 रन इन्होंने करे, अभी तक ये टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी टच में नज़र आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी कोई यहाँ पे खास ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए अभी मैं सिर्फ 2 बैट्समैन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर में अगर हम बात करें दोस्तों तो ए माहेश्वरी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर रहेगा नंबर 6 पे, साथ ही साथ में बॉलिंग करवाते। लास्ट मैच के बारे में बात करें 6 रन इन्होंने करे, 1 विकेट भी निकाला, लेकिन बैटिंग बॉलिंग करते तो आप इनको लेके चल सकते हो। सेलेक्शन कम जरूर है, थोड़े से रिस्की है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हसन के बारे में बात करें ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मिनट में 0 पे आउट हो गए और विकेट भी नहीं निकाले थे, लेकिन अभी तक ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जय कुमार ठाकुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी एक अच्छी फॉर्म में चल रहे, इम्पोर्टेंट हो जाते। लास्ट मिनट में 2 विकेट इन्होंने निकाले, साथ ही साथ में बैटिंग भी कर रहे ये टूर्नामेंट में और कुछ अच्छी इनिंग्स भी इन्होंने खेली है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इनके अलावा एस हुसैन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लास्ट मैच के बारे में अगर हम बात करें तो 12 रन इन्होंने करे थे और 1 विकेट निकाले, बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो इनको भी आप लेके चल सकते हो। करण के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बॉलिंग भी करवा रहे प्लस बैटिंग कर रहे, लास्ट मैच में हालांकि 0 ही रन पे आउट हो गए थे और बॉलिंग से भी कोई विकेट नहीं निकाले, लेकिन अगर अभी तक ये टूर्नामेंट देखोगे काफ़ी अच्छा गया है, अच्छे खासे रन भी करे, तो इम्पोर्टेंट ये भी होने वाले। बाकी यहाँ पे एच खलीद को भी आप अपनी टीम में जगह दे के चल सकते हो। नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, लास्ट मैच के बारे में बात करें 23 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले भी अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी,
और बॉलिंग अगर मैं बात करूँ वो नहीं करवाते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन बैटिंग जो है इनकी अच्छी रहती है, तो उस हिसाब से आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और 5 यहाँ पे सिर्फ ऑलराउंडर लेके चल रहा हूँ। एचओबी एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले, ओपन डेथ में बॉलिंग करवाते हैं, लास्ट मैच में भी 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, अभी तक ये टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है। ओमकार नाथ एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले, ओपन डेथ में बॉलिंग करवाते, लास्ट में 2 विकेट निकाले, उससे पहले सिंगल विकेट निकालते हुए आ रहे थे, लेकिन आप लेके चल सकते हो। एस अहमद का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यार ओवर वगैरह कर सकते हैं और डिसेंट में विकेट इतने नहीं निकाल रहे। यहाँ पे मुगम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप लेके चल सकते हो, हालांकि बॉलिंग अच्छी करवाते हैं बट इतने विकेट नहीं निकाल पा रहे, लास्ट मैच में भी कोई विकेट इन्होंने नहीं निकाला था। यहाँ पे रेनॉल्ड को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, अगर पहले इनकी टीम बॉलिंग करती है तो लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। और आज का ऑप्शन तो होने वाला है दोस्तों, लेकिन इनके ओवर वगैरह कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है। फिलहाल मैं चोबी और ओमकार नाथ को लेके चल रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करें, जिनको आप इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, मैं इस मैच में कैप्टन करूँगा दोस्तों हसन को। वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करें, जिनको आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे हुसैन को कर रहा हूँ। इनके अलावा यहाँ पे करण एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, आर सिंह के साथ भी आप जा सकते हैं। फिलहाल ही हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो लाइक करना दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।